हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज आपके लिए मैं खट्टी मीठी चटनी लाई हूँ और वो भी पुदीने के फ्लेवर का। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है, होप आप लोग को भी पसंद आएगा। तो आप ये चटनी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। पुदीने की चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर पुदीना लिया है और पुदीने की क्वांटिटी धनिये की क्वांटिटी से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर पुदीना लिया है और जिसके हमने डंठल भी नहीं निकाला, क्योंकि ये जो डंठल होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि बहुत टेस्टी भी होता है। तो आप इसके साथ ही थोड़ा सफाई से अच्छी तरह से धो लें और फिर इसे की चटनी बनाएं। साथ में हमने यहाँ पर धनिया की पत्तियाँ ली है, गुड़ लिया हुआ है, जीरा, भुना जीरा, सफ़ेद नमक और यहाँ पर दो मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च, और ये आप देखेंगे ये है पल्प है, इमली का पल्प है। इसे हमने क्या किया है कि पानी में भिगो दिया है और उसके सारे पल्प को निकाल लिया है और बीज को हटा दिया है। तो चलिए हम बनाते हैं पुदीने की खट्टी मीठी चटनी। जार में हम यहाँ पर पुदीने को डाल देते हैं। सारे पुदीने को अच्छी तरह से धोकर और दो तीन पानी से आप धोकर इसको अंदर डालें जार में। साथ में यहाँ पर हम धनिया की पत्तियाँ डाल रहे हैं, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। दो हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ में यहाँ पर ये इमली का पल्प है वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये लास्ट में है जैगरी जो मीठे का स्वाद देगा, और इसके साथ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और भुना हुआ जीरा। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं है तो आप साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। और इन सबको एक साथ हम पीस लेते हैं, ग्राइंडर को बंद करके एक साथ हम पीस लेते हैं। पुदीने की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप देखेंगे कि कितना इसका गाढ़ा पेस्ट है। जब आप पीसें तो इसके अंदर पानी बिल्कुल ही ना यूज़ करें, अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो चटनी बिल्कुल पतली हो जाएगी। और आप जो इमली का पल्प है वो बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर और फिर पीसे, पानी के साथ मत पीसे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।